गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इंडियन इकोनॉमिक्स जो कि प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग से लेकर अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही कारगर होती है, उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पंचवर्षीय योजना को लेकर मैं आ रहा हूं। छगन, पिछले लाइव क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में कैसे आई थी, है ना। सबसे पहले मैंने बताया था रूस विश्व का पहला देश है जिसने पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। रूस से प्रेरित होकर भारत ने 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा छतगन किया गया था। ध्यान रखिएगा छतगन, पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित होकर शुरू की गई थी? रूस से। कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। एक एक चीजों पर पैनी निगाहें, एक एक चीजों का ध्यान, एक एक चीजों का मनन, एक एक चीजों को याद रखना होगा आपको, एक एक चीजों को गौर करना होगा। छतगन, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी, सबसे पहली बार 1934 में प्रसिद्ध अभियंता या इंजीनियर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में एक 10 वर्षीय योजना भारत के लिए पहली बार प्रस्तुत की थी। छात्रगण, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया उनकी पुस्तक थी डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की, जिसमें उन्होंने 10 वर्षीय योजना भारत के लिए प्रस्तुत की थी। छात्रगण, उसके पश्चात विश्वेश्वरैया जी के पश्चात 1938 के कांग्रेस के गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, इस अधिवेशन में छतगन क्या हुआ था उसे गौर करेंगे। छतगन, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की सिफारिश जवाहरलाल नेहरू ने की थी भारत के लिए। ध्यान देंगे, भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे भी गौर करेंगे। छतगन, 1941 में मुदलियार समिति, जिसके प्रमुख रामास्वामी मुदलियार थे, उन्होंने भारत के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी। छतगन, 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक 15 वर्षीय योजना भारत के लिए प्रस्तुत की थी, जिसे बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है। बॉम्बे प्लान का ड्राफ्ट जो तैयार किया था छतगन, वो जॉन मथाई ने किया था, और आदेश्य दलाल इसके प्रमुख थे। इस बॉम्बे प्लान में जेआरडी टाटा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, आदेश्य दलाल, जेडी बिरला, जॉन मथाई, कस्तूर भाई, सरसी राम, आदेश्य सराफ, आदेश्य दलाल, ये सभी 8 महान उद्योगपतिगण शामिल थे बॉम्बे प्लान में 1944 में। कितने वर्षीय योजना को प्रस्तुत किया गया था? 15 वर्षीय योजना को प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है छतगन, 1944 में ही मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। यह 10 वर्षीय योजना थी। गांधीवादी योजना कितनी वर्षीय योजना थी छतगन? 10 वर्षीय योजना थी। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। किसने प्रस्तुत किया? मन्ना नारायण ने प्रस्तुत किया था। छतगन, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, 1944 में ही पीपुल प्लान या जन योजना प्रसिद्ध कम्युनिस्ट विचारक एम एम रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने प्रस्तुत किया था। यह भी 10 वर्षीय योजना थी छतगन। कितने वर्षीय योजना थी? 10 वर्षीय योजना थी। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा, इसे भी याद रखना होगा। छतगन, 1950 में
बाल श्रम उन्मूलन के लिए 1950 में बाल श्रम उन्मूलन के लिए सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। छतगन, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम 1 जनवरी 2015 को बदल के नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया छतगन, उसके जगह एक नई संस्था आ गई 1 जनवरी 2015 को, नीति आयोग। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन किया गया था। छतगन, पंचवर्षीय योजना को बनाने का कार्य योजना आयोग को दिया गया था, लेकिन इसे अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती थी, इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है छतगन? सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद को, सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा, यह भी याद रखना होगा, यह भी स्मरण करना होगा, यह भी मनन करना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा छतगन, ध्यान रखिएगा छतगन। अब हम लोग बारी बारी से आएंगे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, ध्यान रखेंगे छतगन, है ना, और लिखने की कार्रवाई भी आपको करनी होगी। पंचवर्षीय योजना आपका छतगन हेडिंग बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पर भरपूर कमांड रखनी होगी। हेडिंग बनेगा छतगन, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, योजना, हेडिंग बनेगा छतगन, लिखे। इसका कार्यकाल, कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था, था, था। नेक्स्ट, इसका प्रारूप, इसका प्रारूप हेराल्ड डॉमर, हेराल्ड डॉमर नामक अर्थशास्त्री ने, हेराल्ड डॉमर नामक अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। इसका प्रारूप हेराल्ड डॉमर नामक अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। नेक्स्ट, इस पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर विशेष बल दिया गया, विकास पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट, 1951 में धनबाद के निकट सिंदरी नामक स्थान में, धनबाद के निकट सिंदरी नामक स्थान में, स्थान में डीबीसी, डीबीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीबीसी नहीं लिखेंगे छतगन, 1951 में धनबाद के निकट सिंदरी नामक स्थान में भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना, डीबीसी इसके बाद आएंगे, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना, फर्टिलाइजर कारखाना, 1951 में धनबाद के निकट सिंदरी नामक स्थान में भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, किया गया, गया। नेक्स्ट, डीबीसी अर्थात दामोदर नदी घाटी परियोजना को
डीवीसी अर्थात दामोदर नदी घाटी परियोजना को इसी पंचवर्षीय योजना में मान्यता दी गई थी। मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य 3.6% प्राप्त किया गया था। 3.6% प्राप्त किया गया था। यह छगन प्रथम पंचवर्षीय योजना और उससे जुड़े विविध तथ्य जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, स्मरण करना होगा, याद रखना होगा, गौर करना होगा और एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा। पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर विशेष बल दिया गया? कृषि के विकास पर विशेष बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? हेराल्ड डॉमन ने तैयार किया था। हेराल्ड डॉमन नामक अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई थी? भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना धनबाद के निकट सिंदरी में स्थापित किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी ध्यान देना होगा, गौर कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, याद रखना होगा, स्मरण करना होगा और एक एक चीजों को ध्यान देना होगा। पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना को मान्यता दी गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कब चलाया गया था? 1952 में चलाया गया था छात्रगण, ध्यान रखिएगा, 1952 में चलाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, है ना, 1952 में। इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। सारी चीज़ें अपने आप में बेशकीमती हैं, सारी चीज़ें अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें अपने आप में बेहतरीन हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना ही होगा, मनन करना ही होगा, स्मरण करना ही होगा, जानना ही होगा, समझना ही होगा, एक एक चीज़ों को गौर करना होगा, ध्यान देंगे छात्रगण। अब हम बनेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक था। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक था। इस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप
इस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस नमक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट, इस पंचवर्षीय योजना में निम्न वृहत लौह इस्पात उद्योग भारत में स्थापित किए गए थे, नंबर एक छगन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तीन वृहत उद्योगों की स्थापना देश के विभिन्न औद्योगिक नगरी में किया था, जो कि आज भी मौजूद हैं। छगन उसका ट्रिक है दुबे जी, अर्थात दूसरे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, वैसे ब्रिटेन के सहयोग से भीरू भी भिलाई छत्तीसगढ़ में है, छतगन रू रूस के सहयोग से राज शाहरुख खान काल पे में नाम रहता है, राउरकेला उड़ीसा में है जर्मनी के सहायता से। दुबे जी भीरू राज छत्तीसगढ़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षा में। दुर्गापुर ब्रिटेन यूके या इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था लौह इस्पात उद्योग। भीरू भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। राज राउरकेला जो कि उड़ीसा में है जर्मनी की सहायता से लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है ना। दुबे जी भीरू राज, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था छत्तीसगढ़ 1956 से 1961। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस ने इसके प्रारूप को तैयार किया था, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ तीन लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई थी, बृहत लौह इस्पात उद्योगों की, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूके की सहायता से, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है रूस की सहायता से, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है जर्मनी की सहायता से लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे। पूछेगा दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला में तीन बृहत लौह इस्पात उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था छत्तीसगढ़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पैने निगाहें आपकी होनी चाहिए। एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखेंगे। लिखिएगा छत्तीसगढ़ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, आर्थिक विकास दर का लक्ष्य या आर्थिक विकास दर की प्राप्ति, ऐसा लिखेंगे, आर्थिक विकास दर की प्राप्ति 4.1% थी, 4.1% थी, नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना, हेडिंग बनाएंगे छत्तीसगढ़ तृतीय पंचवर्षीय योजना, लिखे, इसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक था, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक था, इस पंचवर्षीय योजना में
अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिशीलता देना, अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिशीलता देना एवं खाद्यान्न एवं उद्योग का विकास करना था। खाद्यान्न एवं उद्योग का विकास करना था, विकास करना था, था। भारतीय इतिहास में इस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, जिसके मुख्य कारण निम्न थे, निम्न थे। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कहा जाता है जिसके मुख्य कारण निम्न थे, थे। नंबर एक, 1962 का भारत चीन युद्ध। नंबर दो, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। नंबर तीन, 1965 एवं 1966 का भयंकर अकाल। 1965 एवं 1966 का भयंकर अकाल, अकाल। छगन, गौर कीजिएगा क्या सवाल आएंगे, क्या जवाब आपको देना है। पूछेगा भारतीय इतिहास की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना अब तक की कौन सी है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कार्यकाल कब से कब तक था, 1961 से 1966 तक था। छगन, क्यों असफल रही, क्या कारण था। Why this 5-year plan was the most unsuccessful 5-year plan in Indian history? छगन, कहा जाता है मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन, दुर्भाग्य कभी भी अकेले नहीं आता है, जब भी आता है तो अपने साथ अपने कई संगे साथियों को लेकर के आता है। यहां भी वही हुआ। छगन, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन अनहोनी घटनाएं एक साथ घटी, और वो भी कुछ कुछ क्रम के दौरान। 1962 का भारत चीन युद्ध एक बहुत बड़ी दुर्घटना, एक बहुत बड़ी घटना। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, ये भी बहुत बड़ी घटना। 1965-66 में भारत में भयंकर अकाल, लाखों लोग काल कल्पित हो गए, ये भी बहुत बड़ी दुर्घटना। तो ये तीनों इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आ गए। कोल ऊपर से खाज, ऊपर से खुजली, करेला ऊपर से नीम चौहा, ऊपर से चिरैता, है ना छत्रगण। तो इससे क्या हुआ, ये पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना की गिनती में आती है, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। छत्रगण, इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई थी मात्र छत्रगण 2.4। आप सोच सकते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना कितनी असफल पंचवर्षीय योजना रही होगी, है ना। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं छत्रगण, 5.6% का रखा गया था लक्ष्य और प्राप्त हुआ मात्र 2.4%। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता की यही कहानी है, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। हेडिंग बनाएंगे छत्रगण, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। लिखे तीर्थंकर, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता से घबराकर, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता से घबराकर केंद्र सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को 3 वर्ष विलंब से शुरू किया, 3 वर्ष विलंब से शुरू किया तथा इन 3 वर्षों में 3 वार्षिक योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, सरकार द्वारा
शुरू की गई थी जो निम्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी जो निम्न है। नंबर एक, 1966 से 67। नंबर दो, 1967 से 68। नंबर तीन, 1968 से 69। है ना छतगन, 1966 से 1969 तक के लिए तीन वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, जिसे मनन करना होगा, जिसे गौर करना होगा, जिसे याद रखना होगा। एक एक बातों को छतगन ध्यान देना होगा, एक एक बातों को गौर करना होगा, है ना। छतगन कहा जाता है दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। दूध से यदि आपका मुंह जल जाए, कांच के गिलास में कोई दूध ला के दे दे, टेम्परेचर आपको पता नहीं चले, आप पिए अब मुंह जल गया, अब उसी कांच के गिलास में छाछ ला के दे, मट्ठा ला के दे, तब भी आप उसे फूकिएगा। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। चूंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना छतगन बहुत ज्यादा असफल रही थी, इसीलिए सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना को तुरंत शुरू नहीं किया। चौथी पंचवर्षीय योजना को 3 वर्ष का अवकाश दे दिया गया छतगन। इसी 3 वर्ष के को, जो कि 1966 से 1969 की अवधि है, इसे ही प्लान होलीडे या योजना अवकाश कहा जाता है छतगन। अर्थात किसी पंचवर्षीय योजना को उसके नियत समय पर शुरू न करके उसे अवकाश पर भेज देना ही योजना अवकाश कहलाता है, प्लान होलीडे कहलाता है छतगन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 66 से 69 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद प्लान होलीडे दिया गया छतगन, और इन 3 वर्ष की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, जिसे एनुअल प्लान कहा जाता है। प्लान, एनुअल प्लान कहा जाता है, वार्षिक योजना कहा जाता है, जो कि 3 चली थी छतगन, 66 से 67 1, 67 से 68 2, 68 से 69 3, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखेगा, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली थी, पंचवर्षीय योजना चली थी, थी। इस पंचवर्षीय योजना में 1969 में 19 जुलाई को इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, किया था। नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को गार्डगिल प्लान भी कहा जाता है, गार्डगिल प्लान भी कहा जाता है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को गार्डगिल प्लान भी कहा जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.7% था, परंतु प्राप्ति 3.3% ही हो पाई, प्राप्ति 3.3% ही हो पाई। छतगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार ने क्या किया, 3 वार्षिक योजनाएं चलाई, चौथी पंचवर्षीय योजना को अवकाश पर भेज दिया,
तीन वर्षों के लिए जिसे योजना अवकाश कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता से घबराकर सरकार ने कितनी वार्षिक योजनाएं चलाई थी? तीन वार्षिक योजनाएं, कब से कब तक के लिए? 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 69 से 74। इन तीन वर्ष की अवधि जब पंचवर्षीय योजना को शुरू नहीं किया गया, चौथी को क्या कहा जाता है? योजना अवकाश प्लान होलीडे के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे छतगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगण। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। गार्डगिल प्लान किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने किया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 19 जुलाई 1969 को किया था। ध्यान रखिएगा छतगण छतगण। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना था? 5.7%। प्राप्त कितना हो पाया था? मात्र 3.3%। तो छतगण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरी निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें। तो आज छतगण यहीं तक हम लोग रुकेंगे। कल पांचवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक के सारे पढ़ाई को, इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। पंचवर्षीय योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर आप कमांड रखें, इसे ध्यान दें, इसको एक एक चीजों को याद रखें। इससे सवाल हल प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार छात्रगण।